ठीक है, ओके। नाउ हम लोग क्या है, डाइलेक्ट्रिक का आज क्लास देखना है। डाइलेक्ट्रिक का आगे सब मोर अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स। मोर कॉन्सेप्ट अबाउट डाइलेक्ट्रिक। देखो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक जब बताया था तो डाइलेक्ट्रिक में आपको पोलराइजेशन बताया था, राइट? और पोलराइजेशन डेंसिटी सबसे पहला चीज जो बताया था वो क्या लिखा था हम लोगों ने कि पोलराइजेशन डेंसिटी देखा था, राइट? और देखो तो जरा सा, पोलराइजेशन डेंसिटी जो लिखा था, पोलराइजेशन डेंसिटी समझाया था कि पोलराइजेशन अपॉन दिस पोलराइजेशन विल बी इक्वल टू, ये क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक डाइपोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये चीज था। सबको याद होगा कि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वहां पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय वॉल्यूम को ही हम लोग क्या बोलते थे, पोलराइजेशन। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अपॉन वॉल्यूम, इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते थे या फिर आपका पोलराइजेशन डेंसिटी। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मान लो, ये हम लोग पोलराइजेशन देख रहे हैं, तो पोल्स जो फॉर्म हुए थे वो पोल्स आपका इंड्यूस्ड चार्ज के वजह से फॉर्म हुआ था, राइट? और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है कि क्या होता है, चार्ज इंटू एरिया। बट ये जो चार्ज है वो कैसा चार्ज था, इंड्यूस्ड चार्ज था। तो इनको लिखेंगे क्यू आई इंटू एरिया, नहीं लेंथ, चार्ज इंटू लेंथ इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेंथ इसका हम लोग मान लेते हैं कि कुछ एल रहेगा, ठीक है? तो चार्ज इंटू लेंथ आ गया। नाउ अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ, ठीक है? तो एरिया इंटू लेंथ आ गया, तो ये लेंथ और लेंथ विल बी, बोथ विल बी कैंसल आउट। तो पोलराइजेशन डेंसिटी का हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है कि क्यू आई अपॉन ए, राइट? अब आप लोग बताओगे कि क्यू आई अपॉन ए यानी चार्ज अपॉन एरिया, क्या चार्ज अपॉन एरिया को हम लोग क्या बोलते थे बाबू? चार्ज अपॉन एरिया कहीं सुना हुआ नहीं लग रहा आप लोग को? कुछ क्वांटिटी बताया था, चार्ज अपॉन एरिया को क्या बोलते थे बताइए? एक दो तीन चार पांच, सरफेस डेंसिटी, हाँ ठीक है, सिग्मा। तो पोलराइजेशन डेंसिटी जो होता था, ये पोलराइजेशन डेंसिटी, इसको हम लोग इंड्यूस चार्ज डेंसिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, सिग्मा आई। सिग्मा आई देखो ध्यान से, पोलराइजेशन डेंसिटी, इसी को हम लोग पी बोलते हैं। पी इक्वल्स टू पोलराइजेशन डेंसिटी इक्वल्स टू इंड्यूस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से क्या पता चला कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उसी को हम लोग पोलराइजेशन डेंसिटी भी बोल सकते हैं, उसी को हम लोग पोलराइजेशन भी बोल सकते हैं, राइट? तो एक चीज यहां पे आपको क्लियर हो गया कि पी इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा आई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको समझ आया कि पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया है? इसमें किसी को कोई डाउट? चल ओके, ठीक है। नाउ जो सेकेंड टर्म, अब हम लोग को सेकेंड टर्म हम लोगों को देखना है, वो हम लोगों को देखना है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको हम लोग डिनोट करते हैं डी से, ठीक है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ देखो जरा सा, जब हम लोगों ने अभी जो डाइलेक्ट्रिक, मतलब डाइलेक्ट्रिक छोड़ो, अभी एयर देखो, सबसे पहले हम लोग एयर में देखते हैं, राइट? एयर में जब आपने देखा था कि ये जो कोई कैपेसिटर था, तो ये कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था बीच में, इन बिटवीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ये मैंने प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था आपको, ये जो आता था वो ई इक्वल्स टू क्या होता था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता था। और लेकिन जब इसी केस में
हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, इसी केस में हम लोग यहाँ पे डाल देते थे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये आ जाता था डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या ई की वैल्यू इतनी ही रहती थी, बताएंगे आप लोग, क्या ई की वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगी? अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ई की वैल्यू डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या है, के आ गई, तो क्या ई का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा क्या? नहीं रहेगा। याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज जाता था, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो आप यहाँ पे याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाता था वो बाई के हो जाता था, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब साथ में ये जो के सिग्मा होता था ये आप लिख सकते हो कि ई इज इक्वल टू फ्री चार्ज डेंसिटी नहीं रह जाता था, सिग्मा बाई के चेंज हो जाएगा ना, सिग्मा बाई के जो होगा वो आप सिग्मा एम बाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप बोलोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिग्मा के, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली डालने के बाद बोलोगे कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, नहीं, दिस वन इज रॉन्ग। तो भाई अब ई का काम कौन करेगा, तो ध्यान से समझो, जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में करता था वही काम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डाइइलेक्ट्रिक में करेगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, सिग्मा के, राइट। बट डाइइलेक्ट्रिक आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा, तो कौन प्रोपोर्शनल हो जाएगा सिग्मा के, प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी, डी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, ठीक है, और इसी डी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो अब इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है, क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटी विच प्लेज द सेम रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the quantity which plays the same role of electric field in a dielectric medium is known as the quantity which plays the same role of electric field as in air in a dielectric, जो काम हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड करता है वही काम डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो क्वांटिटी करता है उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या डेफिनेशन क्लियर हुआ सबको, क्या डेफिनेशन क्लियर है? जो काम, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो काम हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड करता है और वही काम डाइलेक्ट्रिक में जो क्वांटिटी करेगा उसी क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या डेफिनेशन क्लियर है सबको? सिर्फ तीन लोगों को क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या? चलो, ओके, ठीक है। नाउ आइए जरा सा हम लोग देखते हैं कि फाइनल, आप याद करो कि हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों के पास क्या था कि एक मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ कैपेसिटर था और कैपेसिटर में हमने क्या डाल दिया था, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया था, राइट, ऐसा कुछ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक था, ये इसके अंदर, ये पूरा टोटली था, एक्चुअली ये हम, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, सही इसमें फिगर सही से नहीं बन रहा, ठीक है, बट ये टोटल कुछ डाइलेक्ट्रिक ऐसा रहेगा। तो अब सोचो ऐसा होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो सिग्मा होता था, याद करो कि सिग्मा की जो वैल्यू हमने देखी थी, सिग्मा का,
सिग्मा ऑफ द मीडियम, ठीक है, इज इक्वल टू ऐसा आया था सिग्मा माइनस सिग्मा आई, क्या सबको याद है ये? क्या ये चीज सबको याद है? चलो, और सिग्मा इक्वल्स टू यहां पे सिग्मा एम बाय सिग्मा माइनस सिग्मा आई आया। मैं क्या कर रहा हूं, एप्साइलन नॉट से, देखो एप्साइलन नॉट से दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं, राइट। तो सिग्मा एम बाय एप्साइलन नॉट, ठीक है, सिग्मा एम बाय एप्साइलन नॉट इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, सिग्मा बाय आई बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे आप देखो सिग्मा एम बाय एप्सिलॉन नॉट को अभी हम लोग क्या लिखे थे इस जगह पे, यहाँ पे देखो ये वाला चीज, ये सिग्मा एम बाय एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सबको दिख रहा है जहां पे भी रेड स्पॉट दिख रहा है, देखो सिग्मा एम बाय एप्सिलॉन नॉट ये है ना, यहाँ पे क्या है सिग्मा एम बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखे थे डाइलेक्ट्रिक के बाद, जहां रेड स्पॉट है देखो डायलेक्ट्रिक डालने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखे थे, सिग्मा एम बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस सिग्मा एम बाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या लिख दे रहा हूं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ पे सिग्मा एम बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, और ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा आई, ठीक है। और देखिए तो सिग्मा आई अभी आपने ऊपर प्रूफ किया कि सिग्मा आई जो है वो सिग्मा आई कितना था, सिग्मा आई इज व्हाट, सिग्मा आई इज पी, पोलराइजेशन है ना, सिग्मा आई इज व्हाट, पोलराइजेशन, सिग्मा आई इज पोलराइजेशन। तो देखिए तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट को इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई, एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू सिग्मा माइनस पी। तो यहां से देखो तो बाबू कि सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा विल बी एप्सिलॉन नॉट ई, सिग्मा विल बी एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा विल बी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, सिग्मा विल बी, इसको P जो है P को मैंने भेज दिया अभी किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और उसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। और इसी सिग्मा को हम लोग बोलते हैं D, यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। क्या ये चीज सबको क्लियर है कि एक फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। ये प्रूफ सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछिए। हाँ, पोलराइजेशन का एक और फॉर्मूला निकल गया, इसे तो मैं बोल रहा हूँ कि डायलेक्ट्रिक, ये जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं सारा डायलेक्ट्रिक का ही हिसाब किताब है, एक बार इधर से पकड़ रहे, एक बार उधर से पकड़ रहे। पोलराइजेशन का बहुत फॉर्मूला बता चुका हूं मैं आपको, ठीक है। पोलराइजेशन का पहला बताया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बाय वॉल्यूम, फिर दूसरा आपको बताया था वहीं से वहीं पे पोलराइजेशन का बताया था, एबिलिटी बताया था चार्ज का, कितना वो चार्ज इंड्यूस हो सकता है, फिर यहाँ पे सिग्मा आई बताया, फिर यहाँ से पोलराइजेशन भी आप लिख सकते हो डी माइनस एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है। पोलराइजेशन का बहुत सारा फॉर्म है, ठीक है, और पोलराइजेशन का वहां दो फॉर्म और बताया था सीजीएस में और एसआई में, याद करो पोलराइजेशन का दो बताया था, एक बताया था ची इनटू ई, इलेक्ट्रिक सबसेप्टिबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो था आपका सीजीएस में, और एक बताया था एप्सिलॉन नॉट ची इनटू ई, वो था आपका एसआई में, ठीक है। और मैंने बोला भी था कि वो मैं आगे जाकर के यूज करूंगा, यहां आपका उस चीज का यूज भी है, राइट, तो इस चीज में हम लोग को यूज भी करना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए अभी हम लोग पहले इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक और फॉर्म देखते हैं, ठीक है, अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नाउ देखो,
कैपेसिटेंस स्केलर है या वेक्टर है? कैपेसिटेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी है किसी का चार्ज स्टोर करने का, वो वेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है? वो एबिलिटी है किसी एक बॉडी की, है एक डिवाइस का कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। एबिलिटी आपका वेक्टर नहीं होता, ठीक है? चलो नेक्स्ट, अभी हम लोगों को देखना है कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टेंसर, टेंसर आपको बताया था कि टेंसर क्वांटिटी इज डिफरेंट थिंग। टेंसर आपका डिग्री वन का, आप आगे जाकर के हायर क्लासेस में वो पढ़ोगे कि टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। अभी फिलहाल ये समझ के चलो कि टेंसर आपका, टेंसर मैंने वैसे भी 11th में बताया था। टेंसर का क्या एग्जांपल दिया था याद करो, स्ट्रेस एग्जांपल दिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जांपल दिया था। टेंसर बताया था कि हर एक डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस होगा, इसीलिए उसको टेंसर क्वांटिटी किसी किसी बुक में बता देता है। बट हम लोग टेंसर अभी तक पढ़े नहीं है, टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए वी विल ट्रीट इट एज स्केलर, ठीक है? क्लियर हुआ? अभी शिवंदर आपको बात समझ आई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि यहां पे हम लोगों को क्या देखेंगे नेक्स्ट, कि D इक्वल्स टू, देखो D जो होता है अभी किसी मीडियम में, जब आप D लेते हो यहां से देखो तो कि इस मीडियम में आप देखिए कि एप्सिलॉन नॉट E साथ में यहाँ पे सिग्मा m by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये चीज देखे थे कि D की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, D की वैल्यू एक जगह आई एप्सिलॉन नॉट E प्लस P। नाउ सपोज दिस सिग्मा m by एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा m by एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कि ये भी तो लिख सकते हैं ना कि सिग्मा m by एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज सिग्मा by k एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? This can be written as D जो होता है आपका, एक और तरीके से हम लोग लिखेंगे, and also यहाँ पे लिखो also in a medium, also in a medium D equals to D equals to epsilon, एक मिनट, D equals to epsilon m into electric field, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि किसी भी मीडियम में, ठीक है, कि एप्सिलॉन नॉट नहीं, आपका जैसे किसी भी मीडियम में मान लो हम लोग क्या किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ठीक है? अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या लिखते थे हम लोग, देखो तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये कब होता था? ये एयर में होता था, राइट? ये ई नॉट होता था एयर में, ठीक है? अब अगर हम लोग मीडियम में जाएंगे तो मीडियम में आपको पता है ना कि मीडियम में क्या होगा, एप्सिलॉन m, ठीक है, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू क्या, सिग्मा m बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? अब सिग्मा m बाय एप्सिलॉन नॉट जब आप लिखोगे तो एप्सिलॉन em इज इक्वल टू सिग्मा m, तो सिग्मा m अभी आपने देखा था, देखो प्रीवियस वाले वैल्यू में सिग्मा m को क्या लिखा था, सिग्मा बाय k हुआ था ना, देखो तो इसके एक स्टेप पहले ये वाली चीज है, यहाँ सिग्मा m by epsilon नॉट है, यहाँ पे क्या है सिग्मा by k epsilon नॉट, राइट? ये क्या है सिग्मा by k epsilon नॉट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, epsilon m can be written as, epsilon m can be written as, ये em can be written as sigma by k epsilon नॉट, k epsilon नॉट, और याद करो k को मैंने बताया था कि k को ही epsilon r बोलते थे, एप्सिलॉन आर यानी कि रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, और फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन एम बोलते हैं, ई एम इक्वल्स टू सिग्मा बाई
सिग्मा बाई एप्साइलन एम। तो देखो तो यहां से आप क्या लिखोगे, सिग्मा को लिख दोगे कि सिग्मा इक्वल्स टू एप्साइलन एम इनटू ईएम। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एप्साइलन एम क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और इसी सिग्मा को जब डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं तो इसी सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो यहाँ से सिग्मा को क्या लिखा था, डी लिखा था ना, सिग्मा को डी लिखा था इस क्वेश्चन में, इसी में। तो यहाँ पे आप सिग्मा को क्या लिखोगे, डी इक्वल्स टू एप्साइलन एम इंटू ई एम, एप्साइलन एम इंटू ई एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल्स टू एप्साइलन एम इंटू ई, क्योंकि एप्साइलन एम को हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। ठीक है, क्या यहां तक सबको क्लियर है, अभी आवाज क्लियर आ रहा है, अभी देखो यहां तक सबको क्लियर है कि दो इक्वेशन मिले हम लोगों को, एक मिला d इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, दूसरा मिला हम लोगों को एप्सिलॉन एम इनटू ई। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं बताइए, कोई डाउट है यहां तक तो बताइए। चलो ठीक है, नाउ यहाँ इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द रिलेशन, क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन Find out the relation between electrical susceptibility and dielectric constant. Electrical susceptibility. Electrical susceptibility यानी कि याद करो ची, ची को बोलते थे हम लोग electrical susceptibility. और किसके बीच में, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इस दोनों के बीच हम लोगों को रिलेशन निकालना है, राइट। तो इस दोनों के बीच आपको रिलेशन निकालना है, तो आप देखो स्टार्ट कहां से करोगे, आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे डी इक्वल्स टू, यहां पे हम लोग लिखेंगे वी नो दैट नई चीज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिनोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। We know that हम लोग d equals to कहाँ से लिखेंगे, d को हम लोग क्या लिखे थे कि epsilon not e plus p, d equals to epsilon not e plus p, right? Plus साथ में देखो तो d की एक और वैल्यू आई थी आपके पास, एक और वैल्यू कौन सी आई थी, epsilon m into e, तो आप लिख दोगे यहाँ पे कि epsilon m इंटू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी, राइट।
नाउ एप्सिलॉन एम, आपको पता है कि एप्सिलॉन एम को क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर. दिस कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई. एप्सिलॉन नॉट ई. अब देखो यहां के बाद आप कैसे फंसोगे, सो देखो यहां के बाद हम लोगों को दो मेथड फॉलो करना है. मैंने पहले ही बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें दी हुई है, लेकिन मैं दोनों मेथड बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. इसके बाद हम लोग जो स्टेप्स होंगे वो दो तरीके से पुट करेंगे. देखो कैसे, याद करो एक एसआई के लिए और एक सीजीएस के लिए. बताया था कि एसआई में एप्सिलॉन नॉट जी ई होता है, पी की वैल्यू याद करो एसआई में जी ई होता है. यहाँ पे हम लोग दो तरीका से करेंगे. पहला तरीका होगा किसके लिए, फॉर एसआई सिस्टम, और दूसरा तरीका होगा किसके लिए, फॉर सीजीएस सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम. तो याद करो एसआई सिस्टम पी की वैल्यू होती थी एप्सिलॉन नॉट जी ई. मैंने पहले ही वहां भी बताया था कि बाबू दो चीजें होती है, याद कर लो एप्सिलॉन नॉट जी, जी यानी कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड. बट फॉर सीजीएस सिस्टम, हम लोग क्या लेते थे, फॉर सीजीएस सिस्टम बताया था कि सीजीएस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाती थी, वन हो जाती थी. तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वन हो जाएगी तो जो फॉर्मूला रह जाएगा वो फॉर्मूला रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, जी इंटू ई, राइट, जी इंटू ई. अब देखो ये दोनों की वैल्यू यहां पे हम लोग पुट कर रहे हैं, यहां तक दोनों मेथड यहां तक दोनों में सेम रहेगा. अब इसकी अलग अलग वैल्यू सिर्फ पुट करेंगे. तो एक बार आप पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू को ही के लिखते थे, तो मैं अभी फिलहाल एप्सिलॉन आर ही लिख रहा हूं, लास्ट में मैं उसको के लिख दूंगा. तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्या, ई, यहां पे भी ई रहेगा, एक मिनट जस्ट मिनट, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ई इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी. तो प्लस पी, तो पी की वैल्यू वहां पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट एक्स ई. यहाँ पे पुट करोगे एप्सिलॉन नॉट जी इनटू ई. अब देखो ये ई ई ई इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तीनों में कॉमन है, तीनों से कॉमन निकल के कट जाएगा. फिर देखो एप्सिलॉन नॉट तीनों में कॉमन है, तीनों से एप्सिलॉन नॉट निकल के कट जाएगा. तो बचेगा क्या बाबू, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू वन प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो ये एप्सिलॉन नॉट कट गया, एप्सिलॉन नॉट ही कट गया, एप्सिलॉन नॉट ही कट गया, राइट. तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू वन प्लस जी, ठीक है. और एप्सिलॉन आर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, के. तो के इक्वल्स टू वन प्लस जी, एक फॉर्मूला ये हमारे पास आ गया, ठीक है. दूसरा फॉर्मूला में आएंगे तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, लेकिन इस बार एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई और प्लस इस बार एप्सिलॉन नॉट जी नहीं पुट करेंगे, इस बार क्या पुट करेंगे, सिर्फ जी इंटू ई, जी इंटू ई. देखो तो सबसे ई ई कॉमन निकल के कट जाएगा और एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट कहाँ रह जाएगा, देखिए जरा सा इस जगह से अगर मैं सॉल्व करने का कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ जी इंटू ई रहेगा, राइट. तो ये के की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, देखो ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन रह जाएगा और ई ई ई कट जाएगा, तो ई ई ई कटेगा तो यहाँ पे बचेगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन आर को के लिखते हैं ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस जी.
प्लस क्या जी राइट। तो यहां से आप के की वैल्यू निकालोगे तो के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट से बोथ साइड डिवाइड कर दे रहा हूं, तो बोथ साइड डिवाइड कर क्या हो जाएगा वन प्लस जी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, दूसरा चीज भी कर सकते हो, यहां से कहीं कहीं पे ची की वैल्यू निकालने बोलेगा तो जो ची की वैल्यू होगी वो आप सॉल्व करके देखना, ची की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ के माइनस वन। ठीक है, लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा आपका सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और अगर एसआई सिस्टम में आपको पूछे कि एसआई सिस्टम में ची की वैल्यू कितनी होगी, तो एसआई सिस्टम में ची की वैल्यू जो होगी वो होगी के माइनस वन। क्या सबको ये क्लियर है? मामा और दोनों मेथड क्लियर हो गया, क्योंकि आपका जो बुक बुक पे डिपेंड करता है बाबू, पहले ही बता रहा हूं कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया होगा, किसी बुक में ची इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन दिया होगा और किसी बुक में ची इक्वल्स टू के माइनस वन दिया होगा, तो इन दैट केस आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, आपको लगा था ज्यादा हो जाए तो बड़ी कम हो वहाँ। सबको क्लियर है ना? मैं पहले ही बता रहा हूँ एनसीईआरटी में सीजीएस सिस्टम वाला दिया होगा, याद रखना एनसीईआरटी में सीजीएस सिस्टम वाला दिया होगा। आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपका सीजीएस सिस्टम वो फॉलो किया है। ठीक है, मगर अगर आप बुक देखोगे, ये क्या नाम है बुक, मैं भूल रहा हूँ, एस चांद या कुछ, कौन सा पब्लिकेशन है श्रेया आपके स्कूल में, वो कौन सा पब्लिकेशन फॉलो, धनपत राय पब्लिकेशन का, क्या नाम है उस राइटर का, वो राइटर जो अभी धनपत राय पब्लिकेशन का एक बुक फॉलो करते हो ना आप लोग, डीएवी में जो बुक फॉलो होता है, क्या नाम है, मैं राइटर का नाम ही भूल रहा हूँ, धनपत राय पब्लिकेशन का है वो, ऐसे ही कुछ नाम है शायद, चलो जो भी हो, जितने साइड बुक्स है ना, हाँ एस एल आर ओरा में आपका ये वाला मेथड दिया होगा। देखो एस एल आर ओरा में जो आपका मेथड है वो ये वाला दिया होगा ची इक्वल्स टू के माइनस वन, और एनसीईआरटी में ये वाला है ची इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट के माइनस वन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब फिर से एक बार टाइम खत्म हो रहा है राइट, तो अभी आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से रिज्वाइन करो सब तुरंत।